केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से दी जाने वाली महंगाई भत्ते की किश्तों पर राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियन को विश्वास में न लेकर जुलाई 2021 के 1.5 वर्ष तक रोक लगा दी है। सरकार के इस मजदूरी विरोधी निर्णय का सभी मजदूर यूनियन ने विरोध किया। सरकार के इस निर्णय से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी व 61 लाख पेंशनर को इस आपदा के समय आर्थिक नुकसान उठाना होगा, जबकि देश का सरकारी कर्मचारी इस आपदा में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। सभी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों से चर्चा कर महंगाई भत्ते पर लगाए गए रोक के विरोध में प्रस्ताव पारित कर सरकार को पत्र देकर अनुरोध किया इस निर्णय को वापस ले। राष्ट्रीय स्तर के JCM काउंसलिंग सचिव से भी इस विषय पर हस्तक्षेप करने की अपील की। इस महंगाई भत्ते के विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव PK मोहनन ने इन BCN को बताया। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन इशू किया है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का और पेंशनर्स का, 2021 जुलाई तक का DA बंद कर दिया। ये बहुत गलत का काम किया हुआ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर और पेंशनर्स के ऊपर, इसको हम लोग खड़ी निंदा से विरोध करता हूँ। ये ठीक नहीं है, क्योंकि आज आपको मालूम है मेडे का दिन है। ये मेडे का अवसर पर हम लोग पूरा लोगों का राइट के लिए फाइट करके 12 घंटा से 8 घंटे का ड्यूटी लाया हुआ, इसी संघर्ष में हम लोग इतना करने के बाद में भी अभी आज इतना करीबन 60,000 पेंशनर और 54,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वर्किंग एम्प्लॉयज़ का, इनका पूरा DA का बंद करके रखा हुआ, DA के साथ साथ उनका अलाउंसेस भी बंद हुआ है। ये सब गलत काम हो रहा है, क्योंकि इसको ऊपर हम लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का सेक्रेटरी और नेशनल काउंसिल JCM का शिव गोपाल मिश्रा, ये सब मैटर उन लोग दिल्ली में चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का और फाइनेंस मिनिस्टर को ऊपर टेकअप किया हुआ है। इसको अभी का देश का स्थिति को करते हुए हम लोग कोई हड़ताल वगैरह नहीं कर सकता है। स्थिति ठीक होने के बाद में ये पूरा देश का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशनर लोग इसको कड़ी निंदा से विरोध करने वाला है। मेरा तरफ से ये गवर्नमेंट का इसका एक स्टेप को हम लोग पूरा विरोध करता है। इधर का करीबन 10,000 पेंशनर और उसका फैमिली पेंशनर लोग हैं, इन लोग पूरा इसको विरोध करता हूँ। आज का ये खड़ी संकट में, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक एक दिन का वेतन दे चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ऐसा कटिंग होगा तो क्योंकि हम लोग का भी फाइनेंशियल पोजिशन बहुत ख़राब हो जाएगा इसके वजह से, क्योंकि हम लोग भी बहुत ही तकलीफ़ में चला जाएगा। कभी भी वर्ल्ड वार होने के बाद में भी पहले भी इतना दिन हुआ, पहले भी वर्ल्ड वार वगैरह हुआ, कभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का कोई भी पैसे का कटिंग किया नहीं था, क्योंकि एक वर्किंग क्लास है, इनको पर से करने का कोई ज़रूरत नहीं। खुद होकर के हम लोग एक एक दिन का तनखा ऑलरेडी दे चुका है, पेंशन सब कुछ दे चुका है। मैं आप लोगों का जरिए से मैं सभी पेंशन लोगों का और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का इस संघर्ष में भाग लेने के लिए अनुरोध करता हूँ, और साथ साथ ये देश का ये संकट घड़ी में हम लोग जरूर साथ देगा, ये भी आश्वस्त करता हूँ। और आप लोग सब घर के अंदर रह करके अपना खुद का और देश का और पूरा संकट में ये संकट में साथ देने के लिए कृपा करें। एक चर्चा के दौरान भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के संरक्षक एवं भारतीय मजदूर संघ विदर्भ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राम जी बाटवे इस विषय पर इन BCN को जानकारी दी है। अभी सरकार के द्वारा 23 अप्रैल को जो निर्णय लिया गया था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों का, खास कर केंद्रीय कर्मचारियों के DA को लेकर के और डियरनेस अलाउंस को लेकर के जो निर्णय लिया गया, उसका भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नेशनल कॉन्फेडरेशन और भारतीय मजदूर संघ ने पुरजोर विरोध किया है। केंद्रीय कर्मचारियों के जहाँ तक संख्या का सवाल है, 42 लाख केंद्रीय कर्मचारी है और 65 लाख जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी है केंद्रीय कर्मचारी, उन तमाम लोगों को लेकर के हम लोगों ने चिंता व्यक्त की है। इस संदर्भ में इसके पहले हम लोगों ने भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ से आपत्ति भी सरकार के सामने जताई थी, क्योंकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया था, जिसमें तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
इन तमाम स्टेट ने अपने कर्मचारियों का DAB फ्रीज किया था, उसका भी विरोध हम लोगों ने अपने तरफ से किया था। इस वक्त देश के ऊपर में जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों ने सरकार को ये मांग की है कि इस निर्णय के ऊपर में नेशनल काउंसिल JCM की मीटिंग बुला करके इसके ऊपर में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। खास करके जो कर्मचारी अभी रिटायर होने वाले हैं, यानी रिटायर हुए हैं अप्रैल से लेकर के जून तक जो रिटायर हुए, उनका क्यूमुलेटिव लॉस होने की इसमें संभावना ज़्यादा पड़ती है। इसलिए हम लोगों ने उनको बोला कि अभी जो उनको जो सुविधाएं मिलने वाली थी या उनको जो वेतनमान पेंशनरी बेनिफिट जो मिलने वाला था वो भी कम हो गया, इसका विरोध भी हम लोगों ने सरकार के सामने किया है और सरकार को यह भी मांग की है अभी यह निर्णय पुनर्विचार करने के साथ और जैसी ये कोविड की समस्या समाप्त हो जाती है उसके बाद में सरकार ने तुरंत इसके ऊपर में एक्शन लेकर के इसको रिस्टोर कर देना चाहिए। ये हमारी मांग है भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की तरफ से और भारतीय मजदूर संघ की तरफ से। कर्मचारियों का सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को लेकर के नहीं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी है उनके भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता है। उन लोगों को लेकर के सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, आदेश भी जारी किया कि उनको वेतनमान दिया जाना चाहिए। इस वक्त भारतीय मजदूर संघ विदर्भ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रामजी पाटवे, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव PK मोहनन, HS मेश्राम, DM कोहले, BPMS के माजी राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं पर्यावरण मंच के MM रंगदाड़े, BPMS के संयुक्त सचिव RP चौरे, BPMS के CEC सदस्य हर्षल ठोमरे, आयुध निर्माण संघ के अध्यक्ष MM व्यास, महामंत्री सचिन डाबरे, JCM सदस्य ब्रिजेश सिंह, संजय वानखड़े, बंडू तिड़के, OP उपाध्याय, समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इन BCN न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।